आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी सलाद की रेसिपी लाई हूँ जो हम फ्रेश पीनट्स यानी मूंगफली और चेरी से बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर चेरीज को अच्छे से धो लूँगी। तो ढेर सारा पानी ले लीजिए, चेरीज डालिए उसमें और थोड़ा सा नमक डाल के इसे चेरीज को 15-20 मिनट पानी में भिगो कर रख दी। यहाँ पर हम मूंगफली लेंगे, फ्रेश मूंगफली ले रही हूँ। अगर ये फ्रेश मूंगफली ना हो तो आप नॉर्मल जो भी आपके पास मूंगफली हो वो ले सकते हो, उसे आप पानी में भिगो कर रख दी रात भर के लिए। अगर रात भर के लिए भी टाइम ना हो तो 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दी और उसे प्रेशर कुक करके तैयार रखे। यहाँ पर मैं फ्रेश मूंगफली ले रही हूँ, ये देखिए इस तरह। उसे आप तोड़ दे तो अंदर से आसानी से मूंगफली निकाल पाओगे। इस तरह कम से कम आधा कप मूंगफली आप कलेक्ट कर लीजिए। उसे पानी से 2 से 3 बार धो लीजिए और ये जो मूंगफली के छिलके हैं इसे आप ग्राइंड करिए, हल्का सा सुखा दे और अपने प्लांट्स में डाल दीजिए। एक बढ़िया सा कंपोस्ट बन जाएगा। मूंगफली को धोने के बाद इसे हम स्टीम करेंगे। एक कढ़ाई ले ले, पानी डालिए, बीच में चन्नी रखिए और उसमें थोड़े से मूंगफली और स्प्राउट्स डालें। यहाँ पर मैं मूंग के स्प्राउट्स डाल रही हूँ। इसे ढक्कन लगाकर 5-7 मिनट इसे स्टीम करिए, क्योंकि ये फ्रेश मूंगफली है। 5-7 मिनट स्टीम होने पर यह सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आप स्टोर बॉट सूखे हुए मूंगफली लेते हो जिसे आपने पानी में भिगो कर रखा है, उसे आप प्रेशर कुक करें 3 से 4 सीटी, थोड़ा सा नमक डालिए। उस मूंगफली से भी आप सलाद बना सकते हो। 4 से 5 मिनट बाद ये देखिए मूंगफली और मूंग के स्प्राउट्स दोनों सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे हम निकालेंगे और हल्का सा ठंडा होने देंगे। आप चेरीज को पानी में से निकालेंगे, स्टेम्स और सीड्स को अलग करेंगे और चेरीज को हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लगभग 1/4 कप चेरीज को कट कर रही हूँ। चेरीज का टेस्ट हल्का सा स्वीट रहेगा, इसके लिए ये सलाद खट्टा और मीठा बनेगा। चेरीज को चॉप करने के बाद साइड में रखिए। इसी तरह आप बाकी सारे वेजिटेबल्स को चॉप करिए। यहाँ पर मैं टमाटर, बीटरूट, केरी और प्याज कट कर रही हूँ। इसके अलावा आप कैबेज, कुकुम्बर, बॉइल्ड पीस या कॉर्न ले सकते हो। सारे वेजिटेबल्स चॉप करके अंदाजे से 1 कप हो चुका है। अब एक बाउल लेके और उसमें मूंगफली और स्प्राउट्स डाल देंगे, साथ ही चॉप्ड चेरीज और बाकी सारे वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे। इसके अलावा मैं ब्राइंड काली मिर्च डाल रही हूँ जिससे मैंने विंटर्स में बना के रखा था। इसकी रेसिपी मेरे पेज पर ऑलरेडी है, आप वहाँ चेक कर सकते हो। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, इनफैक्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। तो कम से कम 10 से 15 ब्राइंड काली मिर्च इसके अंदर डाल देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, काला नमक, जीरा पाउडर डालेंगे। लास्ट में बारीक कटी हुई कोथमीर डालेंगे और इस सलाद को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर इस सलाद में मैंने फाइनली चॉप्ड कच्ची केरी ली है, इसके लिए हल्का सा खटास भी रहेगा और जो हमने काली मिर्च यूज़ किया है वो भी हल्का सा खट्टा और तीखा रहेगा। इसके लिए मैं नींबू यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप ऑफ सीजन में बनाते हो तो आप ऊपर से नींबू डाल दीजिए। मिक्स करिए और सर्व करिए टेस्टी सा सलाद। इसे आप लंच या ब्रंच में ले सकते हो या जिम के बाद इसे आप ज़रूर खाइएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और मुझे YouTube, Instagram, Facebook में फॉलो करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।